हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं कलारी जाऊंगा, जैसे कल नहीं जा पाया था ट्रैफिक की वजह से, बट आज मैं कलारी जाने वाला हूं। और कलारी में बेसिकली क्या होता है कि मैं ना बीच में से ज्वाइन नहीं कर सकता। मैं कल उनसे कॉल पे बात कर रहा था, बीच में कोई भी बैच कि मैंने बोला चलो भाई आपकी क्लासेज चल रही है तो मुझे इनरोल करा दो, मैं कर लेता हूँ, तो बोल रहे हो बीच में से इनरोल हो ही नहीं सकता। मतलब कलारी जब तक आप बेसिक से स्टार्ट नहीं करोगे ना, आप नहीं सीख सकते। जैसे कि हम कभी भी कहीं क्लासेस करने जाते हैं तो कोई दूसरी फॉर्म होती हैं तो वो हम इजीली एंटर कर जाते हैं। वो तो बस ये आप एडमिशन ले लो, हम करा देंगे आपको, इतना कवर करा देंगे, 10 दिन में कवर हो जाएगा। बट कलारी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली अपनी बॉडी को साधना होता है, मतलब बॉडी कंट्रोल, एक एक बारीक बारीक चीज़ सीखनी होती है बहुत स्मूथनेस के साथ। जैसे वैसे मेरा बैकग्राउंड जैसे डांसर है, मैं डांसर और मैं ट्रेनिंग भी करता रहता हूँ, फिटनेस ट्रेनिंग भी करता रहता हूँ, तो कैलिस्थेनिक भी मैंने किया हुआ है और मैंने और स्ट्रीट वर्कआउट भी मैंने बहुत करा है। तो मेरे लिए थोड़ा इजी होगा बॉडी को कंट्रोल करना, और बट इसके लिए मुझे मेडिटेशन और भी ज़्यादा करना, वैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ बट मुझे और भी ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा बॉडी कंट्रोल के लिए, अपने माइंड रिलैक्स के लिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको आपका माइंड खाली चाहिए। अगर माइंड इतना भरा रहेगा तो आप कुछ नहीं सीख सकते। तो बेसिकली मुझे अपना पहले माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मेरा कॉन्सेंट्रेट लेवल और अच्छा होना चाहिए। तो और बॉडी को साधना, सेकेंड चीज़ बॉडी को साधना। और यहाँ पर परंपरा होती है, जैसे कि अगर मैं कलारी सीख रहा हूँ तो जैसे मैं, हाँ जी मैं टीचर है, हाय बडी हाउ आर यू, ऐसा वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर फ्रेंडली तो हर कोई होता है बट यहाँ एक गुरु शिष्य वाला दर्जा होता है। जैसे कि हम जब इनरोल करते हैं क्लास में तो कलारी में कुछ गुरु को दक्षिणा देकर, फूल हो या कुछ भी हो, फूड्स हो कुछ भी हो, दक्षिणा देकर फिर पैरों को प्रणाम करके प्रॉपर, फिर ये कलारी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर इंडियन कल्चर है यार, ये इंडियन मतलब हमारे इंडियन कल्चर से ही है। और काफ़ी टाइम पहले ब्रिटिश के लोगों ने, आई थिंक 18 समथिंग में, कलारी जहाँ भी होता था ना तो कलारी में वो बंद करा देते थे, मतलब कलारी कराने नहीं देते थे, कि इंडियन कल्चर को बिल्कुल ख़त्म ही कर रहे थे वो लोग। जिसमें कलारी जहाँ जहाँ होता था वहाँ पर लोगों को मारते थे, हटा देते थे, तो कलारी बिल्कुल कम हो गया था। बट आज के लेवल में कलारी वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और कलारी हर कोई सीखना चाहता है। जैसे मैं खुद सीखना चाहता हूँ, दिल्ली में बहुत कुछ है, बॉक्सिंग वगैरह फाइट बहुत कुछ है, बट मैं केरला फाइट सीखने आया हूँ। तो सोच लो कि कलारी क्या चीज़ है। कलारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म है जो आई थिंक हम सबको आनी चाहिए। सो मेरे साथ आप भी सीख जाओगे क्योंकि मैं ब्लॉग तो बनाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहले अभी मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, पहले हम चलते हैं कलारी, देखते हैं कैसी जगह है, फिर लेट्स स्टार्ट, फिर आप अपना मन बनाना। अगर आपको सीखना है तो टेक्स्ट मी या कमेंट मी, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा वहाँ की, ठीक है। चलो अभी के लिए चलो मेरे साथ, जल्दी 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 जल्दी। पहाड़ी वाले इलाके में आ चुके हैं हम लोग, लेट्स सी यहाँ से कहाँ से जाते हैं। ये रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत ट्रैफिक नहीं है।
थोड़ा आगे आ गई इसी आ रहा फाइनली हम कलारी ब्रिज पहुँच चुके हैं। जो लोकेशन है उस लोकेशन पर ही पहुँचने वाले हैं। पर होना चाहिए लोकेशन दिखा रहा है। But it's big one. Yeah, it's a property mix. Okay, okay. In there also much crowd according to this Kalari. Ah, yes, yes. More than 600 people are 600? Yeah. In premium level, medium level. And here only sharing and individual room here. Okay. But almost every day booked. Okay.
300 years old house. These are like dormitory kind of things. Guys, boys will stay in it. Dormitory. Okay. So, only three to four will stay, but it has five bunk beds and all. Okay. So there is one more in that side also. This is only for boys. Okay, sharing. That side of it. So initially this three dormitory, when they were like bar. And this is kitchen or canteen. Only 3 minutes.
गाइस विज़िट कर लिया मैंने कलारी और सीरियसली बहुत पसंद आया मेरे को और मे बी मैं नेक्स्ट मंथ ज्वाइन कर लूँगा। मतलब इनका ना फर्स्ट टू फर्स्ट चल रहा है तो फर्स्ट ऑफ जैन के बाद ही विल बी फ्री और उसके बाद मैं प्लान करता हूँ यहाँ पर आने का और सीखने का। मुझे यहीं रहना पड़ेगा और एक अभी मैं एक महीने के लिए करके देखूँगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइक मेरी क्लासेस भी होती हैं, मेरे शूट्स भी हैं, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकता अभी, बट अभी एक महीने के लिए करूँगा। सो गाइस अभी मैं घर निकल रहा हूँ, रात को ब्लॉग बना नहीं पाऊँगा बिकॉज मैं घर निकल रहा हूँ, सो मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, लव यू ऑल, बाय बाय।